हर एक मनुष्य की सफलता उसके अंदर के काम करने की क्षमता में छुपी होती है और इसका जड़ व्यक्ति के मन में होता है। यदि हम अपने जीवन में सफल होने की कामना करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। यदि कोई भी आदमी अपने आप को बिना कुछ किए हुए पहले ही अपने आप को असफल मान ले तो पूरी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह सफल होने के लिए नहीं सोचता है बल्कि सफलता से ज्यादा असफलता के बारे में सोचता है। इसलिए जिंदगी सफल होने के लिए सफलता के बारे में सोचना जरूरी है। सफलता हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती नकारात्मक विचारों और कार्यों से छुटकारा पाना होता है, सकारात्मक सोच विकसित करना और इसके साथ साथ बीच में असफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भावना रखना जरूरी है। सफलता पाने के लिए हमको अपने मन को समझकर असफलताओं और आलोचनाओं का डटकर सामना करना चाहिए। आप अपने पर हमेशा नियंत्रण रखें, क्योंकि जीवन में सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप अपने प्रतिभा को अपना व्यवसाय बना लें तो सफलता मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ पैशन जरूर होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। जिस दिन भी हमको अपने अंदर के उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा उस दिन हमको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए अपने अंदर के छुपे हुए प्रतिभा को जानें और हमेशा सोचें हमारे अंदर ऐसा कौन सा विशेष प्रतिभा है जो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। हमको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि वो कौन सा चीज़ है जो हमको अपने मंजिल तक लेकर जा सकता है। जीवन में सफल होने का ये मतलब नहीं होता हमको कोई उच्च पद मिले और हम जीवन में बहुत सारा पैसा कमाएं, बल्कि सफलता का मतलब ये होता है कि हम वो करें जिसको करने से हमारे मन को शांति मिले और जिसको करने में हमको खुशी मिले। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले आपको अपने अंदर उस काम के करने का विश्वास पैदा करना चाहिए। जब तक आपके मन में उस चीज़ के करने का विश्वास नहीं पैदा होता तब तक आपको उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी काम में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी से भी कम ना समझें, क्योंकि ऐसे बहुत सी चीज़ हैं जो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। हर एक आदमी के अंदर कुछ अच्छी कुछ बुरी चीज़ होती है। हमको उनके अच्छी और बुरी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने का आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे महान व्यक्ति का ये मानना है कि अगर हमारे अंदर किसी काम के करने का आत्मविश्वास नहीं होगा तो उस काम में आपको असफल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जिंदगी में सफल वही होता है जो अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीख कर कभी भी हार नहीं मानता, हमेशा अपने लक्ष्य पर टिका रहता है। कभी भी आपको सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी, हमेशा सफलता में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आएगी, लेकिन आपको उस समस्याओं से घबराकर भागने की जरूरत नहीं है बल्कि टिक कर उसका सामना करने की जरूरत है। पहले की अपेक्षा आपकी सफलता के बीच में जो कुछ भी है उसे तोड़ मरोड़ डालो, उसे जैसे भी हो उसे जल्दी छोड़ो, उसका समाधान जल्दी से ढूंढो, क्योंकि आपका ही समाधान आपकी आने वाली जिंदगी बदल कर रख देगी। आपके फैसले पर दुनिया टिकी है। दुनिया का क्या है, आज आपके खिलाफ है कल सफलता मिलने पर आपके साथ होगी। दुनिया हमेशा अपने फैसले बदलते रहेगी। सिर्फ ये याद रखना है कहीं आपके माता पिता का एक फैसला आपको कुछ ना कर पाने की वजह ना दे। इसलिए आज अपने समय को बर्बाद बिल्कुल मत करो। कल समय भी आपका होगा, दिन भी आपका होगा, सिर्फ आज बस मेहनत कर लीजिए। इस छोटे से जीवन में अनगिनत बवंडर तूफान सुनामी आते रहे। रावण को तो हार नहीं था, क्योंकि रावण में 10 दिमाग थे जिसका मकसद और विचार एक थे। वो बढ़ता गया और बाकी सब ठहरता गया। जो जम जाता है उसे भुला दिया जाता है, और जो बढ़ जाता है लोग उसकी उम्र नहीं हौसला देखते। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, शायद ऊपर से देखने वाला भी उनसे अलग होता है। हमारी उम्र कभी ज़्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी देरी नहीं होती। जो नहीं कर पाता है वो कमियां गिनाता रहता है। जो हारने के बावजूद जीत की आस रखता है उसकी हार नहीं जीत का हौसला देखा जाता है। एक समय की बात है जब जगन्नाथ अपने किसी कार्य से अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में एक गरीब व्यक्ति मिला जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और जब उस व्यक्ति ने जगन्नाथ को देखा
वो उसके पास आया और उसको बोला कि आप बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं, आपको हर एक चीज़ का ज्ञान है, तो आप मुझे बताइए कि आखिरकार मुझे सफलता कब मिलेगी। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर जगन्नाथ को लगा कि ये व्यक्ति पागल है और मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है, और जगन्नाथ बिना जवाब दिए अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। लेकिन वह व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा और जगन्नाथ को आगे नहीं जाने दिया। आखिर में जगन्नाथ तंग आकर बोला कि कल सुबह तुम मुझे पास की नदी के पास मिलना, नदी के पास मैं अपने साथ कुछ और ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आऊँगा जो तुमको बताएंगे कि तुम जीवन में कब कामयाब होने वाले हो। अगले दिन जगन्नाथ कुछ ज्ञानी व्यक्ति के साथ नदी के किनारे पहुंचा और वहीं पर वो व्यक्ति भी उसको मिला। जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को कहा कि चलो हम इस नदी में उतरकर नदी की गहराई नापने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जैसे ही जगन्नाथ और वो व्यक्ति नदी में उतरे तो जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ उस व्यक्ति को पानी में डुबो दिया। पानी में डूबने के पश्चात व्यक्ति हाथ पैर मारने लगा और थोड़ी देर बाद जगन्नाथ ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, जिसके बाद वह व्यक्ति तेजी से नदी से बाहर निकला और जगन्नाथ को बोला कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था या मुझे मारने के लिए बुलाया था। इस पर जगन्नाथ ने बोला कि जब तुम पानी में डूब रहे थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे। वह बोला मैं सिर्फ पानी से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। जगन्नाथ बोला तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, यदि तुम जीवन में कामयाबी को तीव्र इच्छा के साथ पाने की कोशिश करते हो, जितनी तीव्र इच्छा के साथ तुम उस नदी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो तुम्हारा सफल होना निश्चित है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हर इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। जब तक इंसान में सफलता को पाने की प्रबल इच्छा नहीं होती है, तब तक उस इंसान का सफल होना निश्चित नहीं है। हम सभी के मन में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ये होता है कि हमें इस कार्य को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आप भी सफलता को पाने के लिए इस तरह की सोच रखते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफलता को पाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर आपको फोकस के साथ कार्य करना चाहिए, तब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलती है। जब आपके अंदर सफलता को पाने की इच्छा जगेगी तभी आपकी अपने लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद भी बढ़ेगी। जब आपके अंदर लक्ष्य को पूरा करने की चाहत होगी, आप एक के बाद एक लक्ष्य बनाते चले जाते हैं और उनको पूरा करते चले जाते हैं। इसलिए जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे पहले प्रबल इच्छा को अपने अंदर उजागर करें, तब जाकर आपको सफलता मिलती है।